अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, जो छनौटा चलाने वाला का बेटा को इन्होंने टिकट दिया है, इसलिए सभी अति पिछड़ा जाति के जितने भी लोग हैं सभी लोगों का समर्थन है और हम लोगों का तो समर्थन रहे। 10 साल का हिसाब किताब भी मांग रहे हैं। वो कुछ होते डांट के बोलो तो सुधा मांगे देखते हैं ना, हिसाब किताब मांगे 10 साल के मांगे हैं तो ना कैसे डांट के बोल रहे हैं, कहे तो हमारे तहार औकात में हमारे से मांगे के बताइए। पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है अपना किडनी दे करके, और वहाँ भी मोदी जा करके, इसका बाल बच्चा तो है नहीं, जाते हैं वहाँ भी प्रचार करने के लिए। हमारा अभी भी मांग है कि वहाँ उनको अपनी भी बेटी समझते हैं, जैसे पूरे भारत की बेटी अपना समझते हैं, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह, इस वक्त आरा शहर में आरा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, सुदामा प्रसाद जी का नॉमिनेशन हो चुका है। नॉमिनेशन में आए हुए तमाम जो नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हसन बाजार से चलकर पूर्व मुखिया विजय यादव जी भी आए हैं और भी जो है नेताजी हैं, सब लोग आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह से चुनाव में जो है लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं सुदामा प्रसाद जी को, और महागठबंधन को किस तरह से लोग पूरे देश में जो है जिताने का काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन हो चुका है आरा लोकसभा क्षेत्र से, सुदामा प्रसाद जी क्या कहिएगा इसमें? आपको सबसे पहले बधाई हो कि आप आ करके यहाँ सभी का कवर किए हैं। कल देखे थे आपको डिहरी में भी आपने कवर किया, हमारे राजा राम भाई का भी आपने कवर किया, तो आपको पहले सबसे पहले बधाई, आपके न्यूज को चैनल को बधाई। और आज हमारा जो गठबंधन का, हमारे जो सुदामा भाई का जो नॉमिनेशन हुआ है, पहले तो भोजपुर जिला के वासियों के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि काफ़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, जो छनौटा चलाने वाला का बेटा को इन्होंने टिकट दिया है, इसलिए सभी अति पिछड़ा जाति के जितने भी लोग हैं सभी लोगों का समर्थन है और हम लोगों का तो समर्थन रहबे करेगा। इसलिए हम लोग की तरफ से भाई सुदामा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जीत की बधाई देता हूं। पूरा जनसलाब जुड़ा हुआ था आज? जी जी हाँ, पूरा जनसलाब जुड़ा हुआ था। आप देखे ना, सारे लोग, जगह नहीं था इसमें, कहीं जगह नहीं था, इतनी कड़ी धूप के बाद भी। कहाँ से आप लोग आए हैं? से महागठबंधन को आरा लोकसभा से जिता रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? आरा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन को, हाँ, प्रसाद जी को किस तरह से जिता रहे हैं? हम लोग मिलजुल कर मदद कर कर जिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, इसके लिए जगह जगह प्रचार करेंगे सब कुछ करेंगे। 40 सीट बिहार में है, बिहार में 40 सीट में से कितना सीट आने वाला है महागठबंधन? 40 में तो हम लोग तो 40 हम लोग तो 40 में 40 हम लोग सोच रहे हैं कि आ जाए, 40 में 40 आना जरूरी है, 40 आ जाए, लेकिन एकाध को एने ओने हो जाए तो का कह सकते हैं, हमें कोनो ओहिमे देखले बने जा, लेकिन आप लोग मजबूती से हैं? हाँ हाँ, मजबूती से हैं, इसमें दो राय नहीं है, और यहाँ हमारा लोकसभा का जो आरा है वह जीतेगा। भाई सुदामा जी ने कहा है कि वह यहाँ के प्रत्याशी नहीं हैं, वह बाहर के हैं, यहाँ का प्रत्याशी सिर्फ सुदामा ही है भोजपुर जिला का, वह जो है सुपौल के हैं, इसलिए उनको जाना है और यहाँ इसको जीतना है। 10 साल का हिसाब किताब भी मांग रहे हैं? वो कुछ होते डांट के बोलो तो सुदामा के देखते हैं ना, हिसाब किताब मांगे 10 साल के मांगे हैं तो ना कैसे डांट के बोल रहे हैं, कहे तो हमारे तहार औकात में हमारे से मांगे के बताइए, ऐसे लोग बोल रहा है। अच्छा, राजनीति में औकात देखा जाता है? हाँ, राजनीति में औकात देखा जाता है, जनता मालिक है, जनता मांगेगी तो हिसाब देना है। अंत में क्या कहिएगा पूरे जनता को जो है लालू यादव के बारे में? लालू यादव को बधाई हो, और सबसे पहले मैं भारत के पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है अपना किडनी दे करके, और वहाँ भी मोदी जा करके, इसका बाल बच्चा तो है नहीं, जाते हैं वहाँ भी प्रचार करने के लिए। हमारा अभी भी मांग है कि वहाँ उनको अपनी भी बेटी समझते हैं, जैसे पूरे भारत की बेटी अपना समझते हैं, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था, और जगह प्रचार करते यहाँ आ जाते चारों भर जाते, लेकिन वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था। वह एक बेटी है, मिसाल किया है पूरे विश्व में कि अपने बाप को उसने किडनी दिया है। अब देखा बोल रही तो बोल रहे कुछ हो, भाजपा के लोग बोल रहे हैं, भाजपा बोल रहे हैं कि किडनी के बजाय सीट दिए। अरे छोड़ा ना, वो क्या कहता है, कहा तो उन्हीं के का ले बड़ा, उन्हीं के व्यापार हो सकी।